हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 29th of May 2020। साइंस का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का फाइनल लेक्चर है। जिन्होंने पिछला सारा लेक्चर नहीं देखा देख लें, बाकी जो लोग रेगुलर कर रहे हैं, मैथ्स का एक चैप्टर रियल नंबर हो गया और साइंस का भी ये पहला चैप्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मेरे तरफ से कुछ क्वेश्चन बाकी था इस चैप्टर का, उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये ग्राफ दिया हुआ है, उस लोग को फॉलो करता हुआ एक ग्राफ दिया हुआ है, कल का लेक्चर 13 में हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का क्लास किया था, आज कुछ ऐसे इधर उधर का क्वेश्चन थोड़ा करेंगे विच आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन है विच ऑफ द टू वायर्स, दो तार है ए और बी, विच वन विल यू चूज फॉर मेकिंग वायर्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट का वायर बनाने के लिए, और या फिर वायर्स कंडक्टिंग वायर्स बनाने के लिए ए और बी में से कौन सा तार का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यहाँ पर ओम्स लॉ का ग्राफ है, इसमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने का बहुत सारा तरीका आपने सीखा है क्लास 9 में, उसी में से एक तरीका हम लोग ऐसे करते हैं। मान लो वी को फिक्स कर लिया, वी फिक्स मतलब सेम वोल्टेज पर, आप देख रहे हैं करंट ये आई ए का वैल्यू है और ये आई बी का वैल्यू है। ठीक है, समझ आ रहा है, वोल्टेज सेम है, ये करंट का वैल्यू एक वाले वायर का है, ये करंट बी वाले का है ना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ से पढ़ा, वी बाय आई, वी हमने क्या रखा सेम, देखो वी को सेम रखा, वी सेम रखा तो आर का करंट के साथ कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हो रहा किसके साथ, करंट के साथ। अब ध्यान से देखोगे तो आई बी बड़ा है, मतलब आई बी ज्यादा है, डायग्राम में से देख सकते हो आई बी जो है वो आई ए से ज्यादा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो ए का बी से ज्यादा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट बी का ज्यादा है रेजिस्टेंस ए का ज्यादा हो जाएगा। कल पढ़े थे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है और उसी का इस्तेमाल, ए वाले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे वायर्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट के लिए, और इन दोनों में से अगर चूज करना हो तो बी का करंट ज्यादा, देखो बी में ज्यादा करंट, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, तो तार के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बी का इस्तेमाल कर सकते हैं कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, सो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो आपने तो पढ़ा ओम्स लॉ, पर पूरा ये चैप्टर बेस्ड था, पूरा चैप्टर ही ओम्स लॉ से निकल गया। ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, एट कांस्टेंट टेंपरेचर वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाते रहो करंट बढ़ते रहेगा, वोल्टेज बढ़ाते रहो करंट बढ़ते रहेगा, वोल्टेज घटाते रहो करंट घटते रहेगा, बट फ्यू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, आंसर है फ्यू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर्स डायोड्स यहां तक कि स्विच यहां तक कि बल्ब का फिलामेंट, ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब नॉन ओमिक का मतलब क्या हो गया, इन सब में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, बट वोल्टेज बढ़ाते रहो तो करंट बढ़ते रहेगा, वोल्टेज बढ़ाते रहो तो करंट बढ़ते रहेगा, इस तरह से नहीं होता है। दीज आर डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, स्विच आपके घर का स्विच, स्विच में क्या हो गया, स्विच ऑन किए शुरुआत जैसे ऑन कर रहे हो और कर रहे हो, जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो एक बार में करंट का वैल्यू जो है वो राइज हो जाता है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है वो तो ठीक है, बट देर आर मेनी डिवाइसेस, देर आर मेनी कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ ओम्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसको नोट कर लो। अ
अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अब ये बोलोगे तो काफी आसान सा है, इसको लास्ट क्लास में अलग से बताने का क्या है। अब अलग से बताने वाली ये बात है बच्चों की, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में गलत दिया हुआ है, बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, बहुत सारे एनसीईआरटी के बुक में इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो आंसर आपको बताया जाएगा वही इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन लेकर के चलना है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ 8 ओम का और करंट दिया हुआ 15 एम्पीयर का और टाइम दिया हुआ 2 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेट, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, एच का फॉर्मूला I2RT, बट रेट ऑफ हीट एच नहीं पूछा आपसे, एक्चुअली मैं एच बाई टी ही पूछा होता, रेट ऑफ हीट डेवलप्ड I2R हो जाएगा, I2 is 8, 15 गुना 15 into R के जगह पर 8, this is 225 into 8, this is 1800 जूल पर सेकेंड और 1800 वॉट्स। कई क्वेश्चन में, कई बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में ये इस क्वेश्चन का आंसर है 1800 जूल पर सेकेंड और 1800 वॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है बट कई सारे एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको अलग से भी हम लोगों को थोड़ा सा पुश करके आपको अलग से कॉपी में लिखवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये एनसीईआरटी का ही है। शो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सच दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम 4 ओम, 6 ओम का लगाना है और 9 ओम आ जाए और 4 ओम आ जाए, तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर 6 ओम का 2 को पैरेलल पे रखें और उसके साथ एक और 6 ओम लगाए, 6 ओम पैरेलल में, ये तीनों हो गया और ये 3 और ये 6, इस पूरे का 3 ओम हो गया ना, ठीक है, ये दोनों का तो 3 ओम हो गया और ये 3 में ये 6, ये दोनों सीरीज में है, सो ये 9 हो गया। पहले वाले का रिमाइंडर कैसे होगा, 6 6 6, अब 4 चाहिए, ठीक है, 4 चाहिए, कैसे होगा बताओ, ठीक है, 4 चाहिए, अब सोचो 6 6 से 4 हो, इस तरह से सेटअप करोगे, तो दूसरे वाले में 6 6 से 4 चाहिए, 6 6 से 4, तो ऐसे अगर रखें 6 6 से 4, बट अरेंजमेंट ऐसे है पैरेलल होना चाहिए, ये 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, करंट शो करना होगा बच्चों, नहीं तो दिक्कत हो, इस तरह से ऐसे ऐसे, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 6 6 12 हो गया और ये 12 6 ये 12 हो गया और ये 6 है, पैरेलल में मारोगे तो 1/12 1/6 6 12 का 12 3/12 1/4 दिस आर पी कम्स आउट हो गई 4 ओम। अरेंजमेंट ऐसे करना है, 6 6 6 इसमें ऐसे 6 6 6, ऐसे आप 9 ओम ला सकते हैं, ऐसे आप लोग 4 ओम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, लिख लो। सो ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के बाहर का क्वेश्चन। इन द डायग्राम गिवन द सेल एंड एमीटर हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब सेल का कोई रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है, मीटर में भी तो एक तार लगा हुआ रहता है उसका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है, जो कि हम लोग किसी क्वेश्चन में किए भी नहीं है, टेंथ में करना भी नहीं है, बट मालूम होना चाहिए कि एमीटर भी तो एक डिवाइस है, उसमें भी तो तार है, उसमें भी तो रेजिस्टेंस हो सकता है, सेल के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है केमिकल रिएक्शंस के समय, बट बोला है वो सब नहीं लेना है, टेंथ में लेते भी नहीं। खैर,
क्वेश्चन आगे बढ़ते, बोलता जब रजिस्टर्स आइडेंटिकल है, मतलब तीनों रजिस्टर आइडेंटिकल है, स्विच के अभी ओपन है, पहले ओपन है तो एमीटर का रीडिंग 0.6 एम्पियर है। अब स्विच के को जब क्लोज कर देंगे तो एमीटर का रीडिंग कितना होगा? इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन? इन द सेम वे दैट वी हैव अप्रोच अर्लियर, है ना, पहले व्हेन स्विच A is open. Open मतलब यहां से करंट अभी पास नहीं कर रहा है। स्विच K is open मतलब इसमें से करंट अभी पास नहीं कर रहा है। बट ये पैरेलल में है, इधर से नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इधर से और इधर से करंट जो है वो पास कर जाएगा, है ना। ये अभी आपको सिखाया गया था कल के क्लास में। पहले स्विच K open है मतलब इस वाले में से अभी करंट पास नहीं कर रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में है अभी फिलहाल। तो 1/RP = 1/R, 1/R, 1/RP, 2/R, RP = R/2 और करंट I बराबर V बाई आर ओम्स लॉ से इसका रीडिंग दिया हुआ था 0.6 V बाई ये जो आया R बाई टू, तो इससे V बराबर हो गया, V बराबर 0.3 बार में मिल गया, तो V बराबर हो गया 0.3 R। इस डेटा का यूज करेंगे V बराबर 0.3 R, ठीक है हमारा V बराबर 0.3 R। V तो वोल्टेज है, इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब केस टू, ये केस वन का था, केस टू व्हेन K is closed। अब तीनों में जैसे ही स्विच को ऐसे ऑन कर दे, क्लोज का मतलब ऑन है, क्लोज का मतलब ऑन है। जैसे ऑन कर दिए तो तीनों में से करंट बहेगा, तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे 1/R, 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 दिस कम्स आउट टू बी 3/R और RP कम्स आउट टू बी R/3। अब करंट निकालना है तो I बराबर V by RP, therefore करंट बराबर V by R by 3। अब यहीं पर इस्तेमाल करेंगे V का वैल्यू का, यहां से यूज कर लेंगे V का वैल्यू, हम लोग ने निकाला है पहले 0.3 R into 3 by R, so now this I comes out to be 0.9 एम्पियर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले 0.6 एम्पियर का रीडिंग था जब स्विच के ओपन था, जैसे ही स्विच के को क्लोज कर दोगे तो करंट का रीडिंग जो है वो 0.6 एम्पियर से बढ़कर के 0.9 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सो नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, व्हाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी स्मॉल, अ वोल्ट मीटर शुड बी हाई। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। जो लोग रेगुलर क्लास किए बताएगा कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और बताया गया था कि उसको हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। याद रखना है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अक्रॉस का करंट मेजर कर सकता है। जिस सर्किट में से करंट मेजर करना है उसके अक्रॉस उसको सीरीज में लगाते हैं। अब याद ये करना है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। ये याद रखना है, एमीटर का रेजिस्टेंस कम। अब क्यों कम? सीरीज में लगाए हैं और इसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम तो ये ज्यादा से ज्यादा करंट को ड्रॉ कर देगा, और इसका काम क्या है? करंट को मेजर करना। तो इसका रेजिस्टेंस नेगलिजिबल रहेगा तब तो ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो पास करवाएगा सीरीज में। ठीक है, यही इसका आंसर है। सो इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। जिस सर्किट में इसको लगाओगे, अगर सर्किट में सीरीज में लगाया और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो ये तो करंट को ब्लॉक कर देगा, तो करंट को मेजर कैसे करोगे? एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए, और इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस कम होता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा करंट को सर्किट में से पास करने दे, तभी तो उसका सही रीडिंग आएगा। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा, और सीरीज में एक जगह से ब्लॉक किया तो कहीं भी आगे करंट पास नहीं कर पाएगा।
समझ आ रही है बात, इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। उसी तरह से वोल्टमीटर के बारे में हम लोग पढ़े थे, वोल्टमीटर के बारे में पढ़े थे कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को मेजर करता है और ये बताएगा कि इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब ये जानना है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा। क्यों ज्यादा? पैरेलल में लगाना रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम, तो इसको तो पैरेलल में लगाया है, तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये ना के बराबर करंट अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि इसका काम करंट को मेजर करना नहीं, इसका काम वोल्टेज को मेजर करना है। पैरेलल में लगा करके रखते हैं, इसका रेजिस्टेंस हाई करके रखते हैं। हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब ये जो डिवाइस है ये खुद के तरफ करंट ड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि इसका काम करंट मेजर करना भी नहीं है, इसका काम वोल्टेज मेजर करने का है। अगर इसका रेजिस्टेंस कम होता तो ये ज्यादा से ज्यादा करंट अपनी तरफ खींच लेता, फिर तो इसको करंट पर फिर दिक्कत हो जाता। ये वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है, पैरेलल में कनेक्शन देते हैं और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है ताकि ये अपने तरफ कोई करंट ड्रॉ ना कर ले। यही इस प्रश्न का आंसर है। सो इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सोर्स, ये अपने तरफ करंट नहीं खींचेगा, इसका काम वोल्टेज मेजर करने का है। तो याद रखिएगा एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं और ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। उसी तरह से वोल्टमीटर का काम वोल्टेज नापना, पैरेलल में कनेक्ट करके रखते हैं और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है ताकि ये सोर्स से खुद अपने तरफ करंट को ना खींच ले। ठीक है, इसको नोट करके रखो। अब इस न्यूमेरिकल को देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट चाहिए और 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस इज 9 ओम, मतलब इस पूरे का रेजिस्टेंस 9 हो गया और पैरेलल में वोल्टेज सेम आता है, इधर भी 4 वोल्ट। मेरे को तो ये चाहिए पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से, तो करंट बराबर हो जाएगा V/R, V है 4 और करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये इस पाथ पर 9, 4/9 एम्पीयर्स। सारा बच्चों समझ में? नहीं समझ में आता इसको देखो, इसको इस तरह से तोड़ लो, ये 6 और 3 ये 9 ओम हो गए, नीचे वाला 12 3 15 ओम, ये 4 वोल्ट है पैरेलल में, मतलब इधर भी 4 वोल्ट। ये वाला करंट निकालना है, I बराबर V by R, इसमें V तो 4 ही आ रहा है, पैरेलल रेजिस्टेंस 9 है, इस 4/9 एम्पीयर्स, और ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो इधर भी 4/9 एम्पीयर ही आएगा और इधर भी 4/9 एम्पीयर ही आएगा, तो पहले वाले का आंसर तो हो गया 4/9 एम्पीयर्स। दूसरे वाले को देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम के अक्रॉस का है, 12 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को चाहिए। तो पहले ये इसका नाम अगर I2 मान लेते हैं, तो ये निकालते हैं पहले I2, ये भी पैरेलल ही है, ये अभी भी 4 आ रहा है, 12/15 एम्पियर, मतलब यहां पर ये जो करंट आ रहा है दिस इज 4/15 एम्पियर, बट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, V बराबर I R होता है, 4/15 इनटू इसका रेजिस्टेंस 12 है, दिस इज 48/15, दिस इज 16/5, 3.2 एम्पियर, तो 3.2 और 4.9 इस क्वेश्चन का आंसर, 4/9 3.2 एम्पियर, इसको नोट कर लो।
तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पहले भी लिख चुके हैं बट फिर से एक बार इसको हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि थ्योरिटिकल क्वेश्चन में ये बहुत बार आता है। तो वायर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी से पूरा फॉर्मूला बना आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये पढ़ लिया। बट उसी समय बताया था कि टेम्परेचर पर भी इफेक्ट होता है, जो कि क्लास टेंथ में उस पर न्यूमेरिकल नहीं है, बट याद रखना है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कंडक्टर इंक्रीज करता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेज, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेज, ये याद रखना है ना। और चौथा नंबर पर है ऑन एडिंग इम्प्यूरिटीज, अगर इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो है वो इंक्रीज करता है। ऐसे इम्प्यूरिटीज तो कई तरह का होता है, बट ऐसे ही सिंपल भाषा में पूछा जाए तो इम्प्यूरिटीज ऐड करने से रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज करता है। इन दोनों पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपके किताब में, बट रेजिस्टेंस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 14 लेक्चर से आपका ये जो चैप्टर है फिजिक्स का, पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो खत्म हो गया। अब कुछ बच्चे जो लोग 10th में 12th क्लास का भी न्यूमेरिकल बनाते हैं, टीएमएच वगैरह का कुछ न्यूमेरिकल फंसा हुआ, तो जब आप लोग ऑफलाइन मीडियम में आएंगे तब उस तरह का क्वेश्चन आप मेरे से इंडिविजुअल पूछ लीजिएगा, तब डिस्कस हो जाएगा। अभी इतना पैंडेमिक है, प्रॉब्लम है आपके साथ मेरे साथ, किसी तरह से सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम लोग कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के, जो आपका बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड का सिलेबस है उसको मैनेज करेंगे। बोर्ड के सिलेबस में ये 14 लेक्चर से आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। मैथ्स का एक चैप्टर रियल नंबर खत्म, साइंस का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म, कल से दूसरा चैप्टर आपका मैथ्स में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग पेमेंट नहीं किए हैं बच्चों, मेक श्योर करो कि ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जिस मोड पर भी हो, आप लोग अपना फर्स्ट मंथ का पेमेंट कर दें। अब मैथ्स का सेकंड चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 लेक्चर पर आपका चैप्टर खत्म। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो, प्लेलिस्ट में जाकर के, कंफ्यूज नहीं करना है, 10th के प्लेलिस्ट में जाकर, साइंस का प्लेलिस्ट अलग है, मैथ्स का प्लेलिस्ट अलग है, आप लोग अपना अपना नोट्स जो है वो बना लें। रियल नंबर का और साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का नोट यहाँ पर खत्म हो गया। थैंक यू।